इंसान हमेशा से ही स्वर्ग जाने की इच्छा रखता आया है और हिंदू ग्रंथों की माने तो स्वर्ग को दुनिया की सबसे सुंदर, सुखद और मनमोहक जगह बताया गया है। पर हमारी धरती पर भी कुछ ऐसी जगह हैं जो भगवान ने जरूर स्वर्ग को देखते हुए ही बनाई होगी। सी ऑफ स्टार्स, मालदीव्स, द मोस्ट रोमांटिक प्लेस ऑन अर्थ। इसे देखकर आप यकीनन ये कह सकते हैं कि किसी राजकुमार ने अपनी प्रिंसेस के लिए आसमान से तारे तोड़ कर लाए हो। ये नजारा यकीनन किसी परियों की दुनिया से कम नहीं, पर अफसोस यह कोई परियों की दुनिया नहीं और ना ही कोई जादू है। ये नजारा मालदीव्स के कुछ टापुओं का है जहाँ माइक्रोस्कोपिक जीव जिन्हें साइटोप्लैंकटन्स कहते हैं वह छेड़े जाने पर या पानी में हलचल होने पर ऐसी रोशनी छोड़ते हैं और ऐसे जीवों को बायोल्यूमिनेंस एनिमल्स कहते हैं। अगर आप भी अवतार मूवी देखने के बाद ये सोच रहे हैं कि काश ऐसी जगह धरती पर होती तो आपकी ये ख्वाहिश भी नेचर ने पूरी कर दी। ताइंजी माउंटेन चाइना। ये 1 किलोमीटर लंबे पिल्लर जैसे माउंटेन्स 65 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं, जहाँ का नजारा यकीनन आपको दूसरी दुनिया में ले जाएगा। ये माउंटेन्स लाख गुना और खूबसूरत हो जाते हैं जब यहाँ पर कोहरा छा जाता है। जब यहाँ पर कोहरा छा जाता है तो ऐसा लगता है मानो पृथ्वी ने मखमल सी चादर ओढ़ रखी हो। सालार डे उयुनी, बोलिविया। अगर आपने अपसाइड डाउन मूवी देखी है तो कुछ ऐसा ही नजारा आप यहां पर देख सकते हैं। ये शानदार नजारा प्री हिस्टोरिक लेक के सूखने से बना हुआ है जो लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और ये 1 मीटर मोटी नमक की चादर से ढका हुआ है। पर ये नजारा देखने के लिए आपको बारिश के मौसम में वहां जाना होगा जब बारिश के पानी से लेक 130 किलोमीटर लंबा मिरर में बदल जाती है। और रात में तो आपको ऐसा लगेगा कि आप स्पेस में हैं, चारों तरफ सिर्फ सितारे और उनकी परछाइयां। मू चेंग चाई, वियतनाम। ये चावलों के खेत नीचे से देखने पर एहसास दिलाते हैं कि भगवान ने आसमान में जाने के लिए सीढ़ियां बनाई है। ये चावल के खेत पहाड़ों पर बने हुए हैं जो 2200 हेक्टेयर में फैले हुए हैं। ये वियतनाम की कुछ प्रचलित जगहों में से एक है। ये वियतनाम का नेशनल लैंडस्केप है। अलास्का क्रूज, आइसलैंड, नॉर्वे। ये दुनिया की कुछ ऐसी जगह है जहां आप दिन और रात एक ही समय और एक ही जगह पर देख सकते हैं। पर ऐसा क्यों? आपको ये तो पता होगा कि हमारी अर्थ उसकी एक्सिस पर रोटेट करती है लगभग 1000 माइल्स पर आवर की स्पीड से। ये स्पीड इक्वेटर के करीब की है, पर जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल के करीब आते हैं ये स्पीड स्लो होती जाती है। और कुछ जगहों पर ये स्पीड इतनी स्लो होती है कि आप रात और दिन एक ही जगह पर देख सकते हैं। मतलब आपसे 100 मीटर दूर रात हो रही होगी और आपकी जगह पर दिन। ये वीडियो यही दिखा रहा है। ये वीडियो अलास्का क्रूज का है। कानोला फ्लावर फील्ड, चाइना। नेचर की ऐसी खूबसूरती को बयां करने के लिए शब्द नहीं। कानोला फ्लावर फील्ड आपको पीले समुद्र जैसा दिखाई देगा, पर इस समुद्र को देखने का सही समय फरवरी टू मार्च के बीच का है जब ये फ्लावर्स फुल्ली ग्रोन हो जाते हैं। और इसे येलो सी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहां तक आपकी नजरें जाएंगी ये वहां तक फैला हुआ है। रेनबो माउंटेन्स। दुनिया में हर बच्चे का सपना होता है रेनबोज पर बैठने का और उनकी सैर करने का। शायद बचपन में आपका भी होगा, तो उसी सपने को पूरा करने के लिए चलिए चलते हैं रेनबो माउंटेन्स पर। यहाँ आकर ऐसा लगता है मानो ये माउंटेन्स आपके बचपन के सपने को पूरा करने के लिए ही बने हो। रेनबो माउंटेन्स साउथ अमेरिका के पेरू में मौजूद है। और भी दुनिया में कुछ ऐसी जगह है जहाँ ये माउंटेन्स पाए जाते हैं। दुनिया भर से लोग इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए इन माउंटेन्स पर आते हैं। आपको इन माउंटेन्स को देख कर लग रहा होगा कि ये जादू है या साइंस का कमाल है, तो यह कोई जादू वादू नहीं पर साइंस का कमाल है। इन माउंटेन्स का कलर यहाँ मौजूद मिनरल्स की वजह से ऐसा है। यहाँ पर पहले बर्फ मौजूद हुआ करती थी, पर उसके पिघलने के कारण पानी और मिनरल्स के रिएक्ट करने की वजह से इन माउंटेन्स का कलर ऐसा हुआ है। यहाँ पर जो रेड एरिया है वह जंक के कारण, यहाँ पर जो येलो कलर मौजूद है वह आयरन सल्फाइड के कारण है, और पर्पल लेमोनाइट के ऑक्साइड्स के कारण, और ग्रीन क्लोराइड के कारण। हा लोंग बे, वियतनाम। द रॉक वंडर ऑफ स्काई। ये लाइमस्टोन के बड़े बड़े पहाड़ 1500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैले हुए हैं और इनकी संख्या लगभग 2000 के करीब है। आप जहाँ तक देखोगे वहाँ तक आपको ऐसा सुंदर नजारा दिखाई देगा। ये पहाड़ 500 मिलियन ईयर्स में बने हुए हैं जो धीरे धीरे पानी के ऊपर आए और ऐसा रूप लिया। अगर वीडियो अच्छा लगा